नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में यतीन नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि एक एडवोकेट भी हैं, इन्होंने एक याचिका दायर किया है और इनके बाबा रामदेव के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन पर ये इल्जाम लगाया है कि ये इसमें रामदेव बाबा जो है नॉनवेज का यूज करते हैं, जो कि कटफिश एक मछली है उसको यूज करते हैं ये अपने दंत मंजन को बनाने के लिए। और ये इसका पता उनको तब चला जब उन्होंने एक वीडियो इनका देखा जिसमें इन्होंने, यानी बाबा रामदेव ने खुद ही स्वीकारा है कि हम कटफिश का इस्तेमाल करते हैं इसे मंजन को बनाने के लिए। जब से उनको पता चला है उनकी भावनाएं आहत हुई, क्योंकि उनका परिवार जो है केवल शाकाहारी प्रोडक्ट का ही यूज करता है। इसको लेकर के वो फिर जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करते हैं, जिससे अब बाबा रामदेव से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। और इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि दोस्तों ये नॉनवेज है, ऊपर से ये अपने प्रोडक्ट में बता भी नहीं रहे हैं, ये उस पर लेबिल शाकाहारी का चिपका हुआ है। इसका पता कैसे चलता है दोस्तों? एक वर्गाकार होता है, आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट में बना होता है वर्गाकार रहेगा, उसके अंदर एक सर्किल रहता है। यदि वो ग्रीन है तो यानी कि वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है, सभी वेजिटेरियन लोग यूज कर सकते हैं। यदि वो रेड है इसका मतलब है उसमें नॉनवेज का इस्तेमाल हुआ है, और यदि आप शाकाहारी है तो उसका इस्तेमाल ना करें। तो ये लोग क्या किए, उसको शाकाहारी बता करके उसको ग्रीन सिंबल दे करके तो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं मार्केट में, एक धोखा ये कर रहे हैं। तो अब जवाब मांग रही है कोर्ट उनसे, रामदेव बाबा से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगर दोस्तों अगर ये सच में ऐसा है तो समझिए कि धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये लोग। सब यकीन करते हैं इनके ऊपर कि ये रामदेव बाबा पर, कि इनका प्रोडक्ट शुद्ध होता है, मगर ये ऐसा धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, उनके भावनाओं के साथ, उनके धर्म के साथ, उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं अगर ये सत्य है तो। ऐसे ही दोस्तों मैगी पर इल्जाम लगाया गया था, उसमें भी बताया जाता है कि सुअर का जो कि है, मतलब चर्बी वर्बी कुछ मिलाया जाता है मांस मैगी में, ये बात राजीव दीक्षित जी ने भी बताया था। मगर जब मैगी वालों से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये सही है या गलत तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अपना प्रोडक्ट बेचना है तो खुद तो कहेंगे नहीं कि हाँ हम मिलाते हैं। ऐसे ही एमडीएच मसाला और एक और मसाला था, इन दोनों को एक फॉरेन कंट्री ने बैन कर दिया, क्योंकि इस मसाले से कैंसर, वहां पर जब जांच किया गया तो पता चला कि इससे इस्तेमाल करने से कैंसर हो सकता है, मगर हमारे यहाँ का एफएसएसएआई जो कि है वो इसको क्लीन चिट दे दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों अब सच में ऐसा नहीं है कि पैसे लेकर के, क्या आप तो जानते होंगे, या पैसे लेकर के ऐसा कह दिया जाता है इसका तो पता नहीं, मगर लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जो है धोखा होता है दोस्तों। उन्हें खराब से खराब प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वो कुछ भी खाएं उनसे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता, आप मरे या जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपके धर्म के साथ खेलेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शरीर के पे क्या इफेक्ट पड़ता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरे या जिए उनको केवल अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। वो धड़ल्ले से बेचेंगे, बीच में कोई रुकावट आएगा पैसे दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है, फिर वो प्रोडक्ट बिकता रहता है। आजकल देखिए ना, गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रहा है, सारी चीजें जो हानिकारक है, शराब है, जो चीजें हानिकारक है सब बिक रहे हैं आराम से, धड़ल्ले से सब कुछ बेचा जा रहा है मार्केट में खुलेआम। ना कोई कुछ कर पाता, ना सरकार कुछ कर पाती है। तो ये कंपनियां आप लोगों को दोस्तों धोखा देती हैं, कुछ भी खिला देती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ये चाहिए कि सरकार को जांच करे और ऐसे चीजों पर बैन लगाए जो ऐसे धोखाधड़ी करते हैं, या फिर ऐसे चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे कि किसी के शरीर को हानि पहुंचता हो, तो ऐसी चीजों को बैन कर देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।